बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग आपको सूजी के हलवे की रेसिपी सिखाएंगे। ये बहुत मज़े का हलवा है और आप लोग भी ट्राई करना, ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को भी। 1.5 पाव ली हम लोगों ने सूजी, 1.5 पाव चीनी और ये इलायची, 4 दाने सब्ज इलायची और ये किशमिश, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप लोगों को पसंद है। और ये कटा हुआ कोपरा, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा, जिनको कम पसंद है अपने हिसाब से डाल दें। गाइज अभी हम लोग शुरू करते हैं सूजी के हलवे की रेसिपी। ये हम लोगों ने कढ़ाई में ली 1 कप घी, ये मेल्ट हो चुका है, इसको कढ़ाई गर्म थी तो जिस वजह से ये डालते ही घी मेल्ट हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अभी हम लोग इसमें इलायची डालेंगे घी में, इसमें हम लोग सूजी डाल देंगे घी में। ये सूजी पकने लग गई है, इसको अच्छी तरह हम लोग ब्राउन कर देंगे सूजी को हल्की आंच पे, फिर हम लोग बुनाई करेंगे सूजी की 10 से 15 मिनट तक। देखिए नाज़रीन ये घी पूरा पी लिया है सूजी ने, देखिए नाज़रीन इसकी अभी भी बुनाई हो रही है लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह ब्राउन। अभी इसकी 10-15 मिनट बुनाई करने के बाद अच्छा लग रहा है, तो इसमें पानी और चीनी मिला देंगे। नाज़रीन देखिए आप, इसकी 20-15 मिनट बुनाई होने के बाद इसे कलर आया है ब्राउन। इसकी बिल्कुल हल्की आंच पे बुनाई करना है और आप अपने मुताबिक सूजी, अगर आपकी थोड़ी है तो आप थोड़ी सी देर में हो जाएगी, नहीं 10 मिनट में, और ये ज़्यादा थी इसलिए इसको 20 मिनट लग गए। अभी हम लोग इसमें शामिल करेंगे पानी 1 से 1.5 गिलास सूजी के मुताबिक, तो आप कम डाल दे पाए और अगर ज़्यादा ये 1.5 पाव सूची हम उसमें 1.5 गिलास पानी डाला और साथ में चीनी डाल दी हम लोगों ने और पैन थोड़ा तेज कर दिया। अब देखिए नाजी इसमें उबाल आ रहा है, थोड़ी सी चीनी और डाल दी और इसको फिर से हम लोग बुनाई करेंगे, तो थोड़ा सा हिला के मच इसका, हाँ कलर भी देखिए इसका ब्राउन हो गया। अभी हम लोग गणेशी के इसमें किशमिश डालें हम लोगों ने, अब अपने मुताबिक डाल सकते हैं, ज़्यादा आपको पसंद है तो ज़्यादा डालें। और ये कटा हुआ कोपरा डालें, अभी हम उसमें चम्मच साथ साथ हिला रहे हैं कटा हुआ कोपरा, लेकिन आज पानी सारा इसका सूखने लगे। ये देखिए अच्छी तरह इसको हिलाए, हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया, देखें एक साथ जुड़ गई है, इसका मतलब है कि हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है, बस थोड़ी देर में भी हलवा तैयार हो जाएगा। इसका पानी अच्छी तरह सूख गया, ये देखें नाज़रीन कभी भी बुनाई हो ही रही है, देखो इस तरह नहीं छोड़ना है, बस हिलाते रहने इसको, बिल्कुल आपस में ये जुड़ जाएगा। अब इसकी अच्छी से खुशबू आ रही है मीठी मीठी, इसका मतलब है कि हलवा तैयार है, देखिए सारा जुड़ गया आपस में। अंधेरी वाली जगह नहीं हो रही है। नाज़रीन हलवा हमारा तैयार हो चुका है, इसका अच्छा सा कलर आए और ये गणेश के लक्ष्मी डाले किशमिश, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं मीठा, ये कटा हुआ कोपरा। अब देखिए नाज़रीन इतना अच्छा सा हलवा ये हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और नाज़रीन अगर आप हमारे चैनल आपको पसंद आ चुका है तो आइंदा के लिए नाज़रीन, अभी हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये इजाज़त दें। और अगर इस रेसिपी में कोई मिस्टेक या कुछ गलती वलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।